हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू वाला। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि BHDLA 137 की क्लासेस जो हैं हमारे चैनल पर रेगुलरली करवाई जा रही हैं। उसी में जो है हम जो है टोटल 6 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि एक ब्लॉक जो है हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसका दूसरा ब्लॉक देखने वाले हैं और इसमें जो ब्लॉक है ये सेकेंड ब्लॉक, इसमें आज हम देखने वाले हैं इसका सेकेंड ब्लॉक और इसका जो यूनिट होने वाला है वो होने वाला है 8 यूनिट। और इस 8 यूनिट का जो नाम है वो है संचार के लिए लेखन, संचार के लिए लेखन। तो चलिए इसको हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें आखिर है क्या संचार के लिए लेखन में। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि संचार क्या होता है। संचार होता है हमारे बातचीत करना, यानी कम्युनिकेशन को ही हम संचार बोलते हैं। और इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है जनसंचार माध्यमों का स्वरूप, यानी कि जनसंचार माध्यमों का जो स्वरूप होता है या फिर उसको हम रूप भी बोल सकते हैं, वो किस तरह का होता है। देखिए, ऐसे साधन जिनकी सहायता से एक बड़ी जनसंख्या तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है अथवा प्रदान किया जाता है उन्हें जनसंचार कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? जनसंचार कहते हैं, यानी कि एक सूचना को बड़ी जनसंख्या तक पहुँचाया जाता है उसी को हम जनसंचार कहते हैं। संचार की पूरी प्रक्रिया चार स्तरों पर घटित होती है, यानी कि जब संचार आगे बढ़ाया जाता है तो उसमें पूरी चार प्रक्रियाएं लगती हैं। वो चार प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है? सबसे पहली, संदेश को भेजने वाला अर्थात प्रेषक होता है, यानी कि एक जो संदेश दो व्यक्ति हैं ये आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, संदेश भेजने वाला प्रेषक होता है, ये संदेश भेज रहा है तो ये हो जाएगा हमारा प्रेषक, प्रेषक हो जाएगा। दूसरा, संदेश, अब जो भी ये बोलेगा वो हो जाएगा इसका संदेश। नेक्स्ट है संदेश जिसके जरिए भेजा जाएगा अर्थात माध्यम, यानी कि किस माध्यम से जो है संदेश भेजा जा रहा है। ये हो गया हमारा प्रेषक यानी कि बोलने वाला। दूसरा हो गया हमारा संदेश, ये संदेश भेज रहा है। तीसरा जो होगा हमारा माध्यम, माध्यम यानी कि किस माध्यम से भेजा है। तो हमारा जो इसमें माध्यम है वो होगा भाषा, ये भाषा के माध्यम से अपने संदेश को दूसरे व्यक्ति तक भेज रहा है। चौथा जो है इसमें संदेश को प्राप्त करने, संदेश को प्राप्त करने वाला अर्थात प्राप्तकर्ता। अब देखिए, इसी में पूरी तीन प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी हमारी, यानी कि पूरी हो जाएंगी। सबसे पहला प्रेषक, प्रेषक के बाद संदेश, जो भी ये बोलेगा वो इसका संदेश होगा। तीसरा, तीसरा क्या होगा हमारा? माध्यम, यानी किस माध्यम से भेजेगा, तो वो हमारा माध्यम हो गया भाषा। और लास्ट, इसमें जब संदेश पहुँचेगा तो ये हो जाएगा हमारा प्राप्तकर्ता, ठीक है। अब देखिए, जब ये अब आती है इसकी बारी बोलने की, इसने जो है इसका जो संदेश था वो तो इसने प्राप्त कर लिया, इसके बाद अब इसकी बारी आएगी बोलने की। तो जो भी ये बोलेगा, अब जो ये बोलेगा, अब इसमें ये होगा प्रेषक ना कि ये, जब ये बोलेगा तो इसके साथ भी वही तीनों प्रक्रियाएं होंगी। और फिर चौथा, बाद में इसके पास आएगा संदेश, ये हो जाएगा प्राप्तकर्ता, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो ये चार स्तर की घटित घटनाएं हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जनसंचार माध्यमों को तीन भाग में बांट सकते हैं, यानी कि हमारे जो जनसंचार के माध्यम होते हैं उसको हम तीन भाग में बांट सकते हैं। तीन भाग कौन कौन से हमारे? पहला है मुद्रित माध्यम, यानी कि मुद्रित का मतलब है प्रिंटेड, जो आपके प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं उनको हम बोलेंगे मुद्रित माध्यम। दूसरा है हमारा श्रव्य माध्यम, यानी कि जिनसे हम सुन के संदेश प्राप्त करते हैं वो हो गया हमारे श्रव्य माध्यम। तीसरा है दृश्य माध्यम, दृश्य माध्यम वो माध्यम होते हैं जिनसे हम देखने व सुनने के बाद हम अपने संदेश को प्राप्त करते हैं। अब जब मुद्रित माध्यम में क्या आएगा? मुद्रित माध्यम में जो है हमारा आएगा अखबार हो गया, पुस्तकें हो गई, ये हो गया हमारा मुद्रित माध्यम में। नेक्स्ट है श्रव्य माध्यम, श्रव्य माध्यम में हमारा क्या हो जाएगा? रेडियो, पहले टाइम में तो रेडियो ही चलते थे ना टेलीविजन के पहले, तो मुद्रित उसमें श्रव्य माध्यम में हो जाएगा हमारा रेडियो। नेक्स्ट हमारा दृश्य माध्यम, दृश्य माध्यम में हो जाएगा हमारा टेलीविज़न। अब तो हम टेलीविज़न देखते हैं, वरना पहले तो जो है रेडियो ही होता था या फिर जो हम अखबार ही पढ़ते थे। पहले हमारे सिर्फ केवल दो ही माध्यम थे, मुद्रित और श्रव्य, लेकिन तीसरा जो है ये हमारा अपडेटेड, जिसको हम बोल सकते हैं अपडेटेड माध्यम है, जिसको हम बोलेंगे दृश्य माध्यम, जिसको हम देखकर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ एक बार, मुद्रित माध्यम में आएगा हमारा अखबार, पुस्तक, और श्रव्य माध्यम में आएगा हमारा रेडियो और दृश्य माध्यम में हो जाएगा हमारा टेलीविजन।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको इतनी चीज़ें जो है समझ में आई होगी। हम एक चीज़ इसमें और देख सकते हैं कि जो मुद्रित माध्यम होते हैं इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। अब देखिए मुद्रित माध्यम के क्या फ़ायदे हैं, अखबार और पुस्तकें। हमें एक चीज़ जो है समझ में नहीं आई तो हम उसको जो है दोबारा भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उन चीज़ों को समझ सकते हैं। और श्रव्य माध्यम में क्या है, रेडियो। रेडियो चल रहा है तो जो है हमें रेडियो के हिसाब से अपनी चीज़ों यानी कि अपने जो समझने की क्षमता है उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। और पुस्तकों में तो क्या है, हम अपने अनुसार जो है चीज़ों को समझ सकते हैं हमारी जितनी क्षमता होगी, लेकिन श्रव्य माध्यम में हमें रेडियो के अनुसार ही अपनी जो समझना पड़ता है अपनी बातों को, सूचनाओं को। तीसरा है दृश्य माध्यम, जिसमें टेलीविज़न आता है। टेलीविज़न में चीज़ों को जो है थोड़ा सा समझना आसान होता है क्योंकि इसमें श्रव्य और दृश्य माध्यम दोनों के गुण होते हैं, यानी कि हम देखते भी और सुनते भी हैं तो चीज़ें जो है हमें थोड़ी जल्दी समझ में आती है और जो चीज़ें हैं वो कम समय में ख़त्म हो जाती हैं, या फिर उनको हम सूचना ही बोल सकते हैं जो कि कम समय में हमारी समाप्त हो जाती है या फिर पूरी हो जाती है। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला है जनसंचार माध्यम की भाषा, यानी कि जो जनसंचार माध्यम है उसकी भाषा जो है किस तरह की होनी चाहिए या फिर किस तरह से जो चीज़ों को लोगों को समझाया जा सके या फिर सूचनाएं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके आसानी से। देखिए मुद्रित माध्यमों की भाषा जो है किस तरह की होनी चाहिए। देखिए लिखने वाले लेखन की शैली का अपना अपना अंदाज होता है। देखिए मुद्रित माध्यम में आपने देखा होगा, पुस्तकें भी पढ़ी होंगी काफ़ी लेखकों वगैरह की, या फिर अखबार भी पढ़े होंगे, तो जो है उसमें लिखने का तरीका सबका अपना अपना अलग अलग होता है कि जो कोई कोई कठिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, कोई आसान जैसे शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल करता है, ठीक है। अगला है श्रव्य माध्यमों की भाषा, यानी कि जो सुनने वाले होते हैं उनकी भाषा जो है इस तरह की होती है। देखिए रेडियो पर समाचार की भाषा का ऐसा होना ज़रूरी है जिसे सुनकर समझा जा सके। ऊपर भी हम यही बात करते हुए आए हैं कि जो है सबकी समझने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, तो जो रेडियो की जो भाषा है वो इस तरह की होनी चाहिए जिसे कि आसानी से सुनकर समझा जा सके। अगला पॉइंट है इसमें, रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचार में वाक्य छोटे हों। क्या विशेषताएँ होनी चाहिए इसकी, जो वाक्य हों हमारे छोटे हों। दूसरा, मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल ना हो। देखिए अगर रेडियो में मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल होगा तो पहला तो जो है सबकी समझने की क्षमता अलग अलग होती है, तो उसको समझने में ही टाइम लग जाएगा और जो आगे चीज़ें चलती रहेंगी वो भी जो है मिस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो है श्रव्य माध्यम में छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल हो और मुश्किल शब्द जो है कम से कम हों, या फिर बोल सकते हैं आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। अब देखते हैं दृश्य माध्यम, दृश्य माध्यम की जो भाषा है वो किस तरह की होनी चाहिए। भाषा बोलचाल जैसी होनी चाहिए, यानी कि जो भी भाषा हम बोलते हैं वो भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको हम आपस में बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए जिसको हम बोल सकते हैं किताबी भाषा, किताबी भाषा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, दृश्य के साथ उसका पूरा तालमेल हो, यानी कि जैसे जैसे दृश्य चलेंगे उसी तरह से भाषा उनके साथ में ही चलनी चाहिए, ना कि ऐसा हो कि दृश्य कहीं और जा रहा है और भाषा उनकी कहीं और ही जा रही है। आपने देखा होगा अगर टीवी ख़राब हो जाता है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने देखा होगा कि किसी किसी चैनल पर जो है इसी तरह की घटनाएँ होती हैं जो कि फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता, जो है उनके एक्शन हम बोल सकते हैं उनकी क्रियाएँ अलग हो रही होती हैं और जो उनकी भाषा है वो अलग जा रही होती है, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इसको हम बोल सकते हैं दृश्य के साथ उनका पूरा तालमेल हो जिससे कि चीज़ें आसानी से समझ में आए। अब आगे चलते हैं, देखिए अगला है जनसंचार के भाषा का महत्व, यानी कि जो जनसंचार की भाषा होती है उसका जो है क्या महत्व होता है। तीनों माध्यमों में एक ही तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऊपर भी हम देख के आए कि किस किस तरह से जो है तीनों में अलग अलग भाषाएं, देखिए भाषा तो एक ही होती है लेकिन जो है उसका सरल से सरल रूप ढूंढा जाता है अलग अलग माध्यमों में दिखाने के लिए, आसानी से चीज़ों को समझने के लिए। दूसरा, रेडियो और टेलीविज़न पर हमेशा उच्चरित भाषा का प्रयोग होता है। उच्चरित भाषा मतलब बोलचाल वाली भाषा का ही उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें लिखित भाषा में कोई बात समझना है तो उसे दोबारा पढ़ सकते हैं। ऊपर भी हमने यही बात की थी कि अगर जब मुद्रित माध्यम में हमें कोई बात समझ में नहीं आती तो हम उसको दोबारा देख सकते हैं, लेकिन रेडियो में क्या ऐसा होता है? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। अगला है, उन शब्दों से बचना चाहिए जिनका उचित भाषा में प्रयोग ना किया जाता हो। देखिए जो हमारे रेडियो या फिर दृश्य माध्यम होता है उसमें जो है इस तरह की भाषा का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए जो कि कठिन हो, या फिर बिल्कुल ही किताबी भाषा का उपयोग हो तो चीज़ें हमें समझ में आएंगी ही नहीं। इसमें भी यही बोला गया कि उन शब्दों से बचना चाहिए जिनका उचित भाषा में प्रयोग ना हो, यानी कि
केवल बोलचाल वाली भाषा का ही उपयोग हो। अगला पॉइंट है हमारा संचार और शिल्प का भाषा पर प्रभाव, यानी कि संचार और जो शिल्प होता है उसका भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, प्रत्येक संचार माध्यम का अपना अपना शिल्प होता है, प्रत्येक संचार माध्यम का, यानी कि जो अलग अलग हमारे माध्यम हो गए, मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, इनका अपना अपना निर्माण का तरीका जो है अलग होता है, जिसको हम बोल सकते हैं शिल्प का तरीका अलग अलग होता है। शिल्प का निर्धारण माध्यम तो करता ही है, साथ में विधा और विषय भी करता है। देखिए, जो माध्यम तो करता ही हमारा शिल्प निर्धारण, उसके अलावा जो है विधा, यानी कि विधा हमारा अलग अलग तरीके से लिखना और उसका विषय जो है किस विषय पर चीज़ें जो है लिखी जा रही हैं, उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है मुद्रित प्लस श्रव्य माध्यम में जो है भाषा का प्रयोग होता है, कौन सी भाषा का, बोलचाल वाली भाषा का, या फिर हम बोल सकते हैं इसको किताबी भाषा का। नॉर्मली हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भाषा का प्रयोग होता है किसमें, मुद्रित प्लस श्रव्य माध्यम में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दृश्य माध्यम बराबर दृश्य प्लस ये माध्यम होगा हमारा श्रव्य माध्यम, यानी कि जब हम दृश्य माध्यम टेलीविज़न पर चीज़ों को देखते हैं तो उसमें दृश्य प्लस श्रव्य माध्यम का उपयोग होता है। इसमें दोनों चीज़ें जो है हमारी साथ साथ जो है चलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, यह हमारा जो है लास्ट टॉपिक है, इसको हम देखते हैं संचार के लिए लेखन, जो संचार के लिए लेखन में क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं या फिर किस तरह का होना चाहिए। संचार के लिए लेखन करने के लिए भाषा में दक्षता होनी ज़रूरी है। दक्षता का मतलब जो है हम चीज़ें जो भी लिख रहे हैं या फिर जो भी हम बोल रहे हैं उसको हम आसानी से, यानी कि कम समय में उसको अच्छी तरह से समझा सके, आसानी से उसको हम बोले तो एक्सप्लेन कर सके लोगों को। किताबी भाषा लिखने से बचना चाहिए, हम कोई भी लेख लिखते हैं तो उसमें हमें संचार के लिए, यानी कि लोगों को समझाने के लिए, माध्यम बनाने के लिए, सूचनाएं देने के लिए, तो उसमें किताबी भाषा का उपयोग करने से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो अधिकारिक को समझ आए, अधिकारिक यानी कि अधिक से अधिक लोगों को जो है समझ में आए, हमें ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, सरल भाषा लिखना चुनौती का काम है। देखिए, ईजी लैंग्वेज जो लिखना है एक हमारे लिए चैलेंज का काम होता है। क्यों? देखिए, जो किताबी बातें हैं उसको तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि ये होता है, लेकिन हम अपनी समझ के हिसाब से ही जो है चीज़ों को सरल बना पाते हैं। अगर आपके अंदर समझ नहीं है तो फिर आप चीज़ों को आसान तरीके से या फिर आसान शब्दों में लिख भी नहीं सकते। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि सरल भाषा लिखना एक चुनौती का काम है। ठीक है, अब दोस्तों हमारी जो क्लास है BHTLA 137 यूनिट 8 की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।